हैरियर भी देखी थी, फॉर्चुनर भी देखी थी, हाँ, क्लासिक भी देखी थी, हाँ, हाँ, लेकिन भाई बस यही अच्छी लगी थी। देखो इतनी बढ़िया गाड़ी, इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, जैसे तो कटिंग वगैरह भी कुछ हुई थी या कैसे भाई? हाँ भाई साइड साइड में से हुई थी, बस ज्यादा नहीं हुई बस। अच्छा साइड साइड से हुई थी। ना भाई परचेज करा था भाई। तो भाई कितने क्या पड़ा था आपको ये? भाई ये 5500 रुपए का पड़ा था, 5000 का नंबर था, 500 रुपए उसने काटने वाले ने लिए। मुंडे पागल ने सार गल्ला वड्डियां वड्डे नाल उमर दी हौली हड़ी है तू नी बच के रे ए मुंडे पागल ने सार गल्ला वड्डियां वड्डे नाल उमर दी हौली हड़ी है तू नी बच के रे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मौज हो गए। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है आप सभी को। भाई हमने स्कॉर्पियन बहुत सारी दिखाई है पर आज दिखाने वाले कुछ अलग ही चीज, और भाई ये देखो क्या अल्टीमेट भाई ने बनाई हुई है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है सुमित भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। भाई गाड़ी तो यार ये एक नंबर बना रखी आपने, है ना जी भाई। एक तो भाई जैसे आप स्कॉर्पियन है और अभी हम खड़े ग्रेटर नोएडा में, यहाँ मेरे हिसाब से स्कॉर्पियन से तो स्कॉर्पियो होगी ये पुरानी वाली, है ना? हाँ भाई नई कमी है, अभी नई कम हुई है ना। देखो स्कॉर्पियो फॉर्चुनर यहाँ बहुत सारी हैं, तो भाई आपके कैसे मन में आ गई ये लेने की? भाई अच्छी लग रही थी इस सेगमेंट में, बढ़िया लग रही थी मेरे को देखने में भी, और मतलब थोड़ा मॉडल वॉडल भी अच्छा लगा था इसे देख, मतलब थोड़ा एक कंफर्ट जोन में जाना था। लुकिंग वाइज बढ़िया लग रही थी और थोड़ा कंफर्ट भी गाड़ी, और फिर फीचर्स वगैरह भी देखने, फीचर्स भी सनरूफ वनरूफ सब मिल रहे हैं इस प्राइस में। हाँ जी ये तो है। तो जब लेने गए थे कुछ और भी सोचा था क्या, हैरियर वगैरह? हाँ भाई हैरियर भी देखी थी, फॉर्चुनर भी देखी थी, हाँ, क्लासिक भी देखी थी, हाँ, हाँ, लेकिन भाई बस यही अच्छी लगी थी। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो। और वैसे कि जैसे कि आपको पता ही है महिंद्रा है, तो भाई ट्रस्ट वगैरह सब चीज़ है, और टाटा भी देखो ठीक है अपनी जगह, हाँ, और वो सारी चॉइस की बात है ना। तो भाई कौन सा क्या मॉडल वगैरह है भाई? ये Z8 है भाई। Z8 तो ये टॉप मॉडल है कौन सा है? नहीं भाई इससे ऊपर एक मॉडल आता है Z8L, वो मिली नहीं थी दरअसल बुक, मैंने वही करी थी Z8L। अच्छा तो ये 4x4 है? नहीं भाई 4x2 है। 4x2 है ये। अगर बात करें तो भाई ये है ब्लैक कलर अपना, तो ब्लैक कलर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना भाई। भाई मुश्किल, एक तो धूल मट्टी बहुत ज्यादा दिखती है इस पे। तो सेरेमिक या पीपे वगैरह कुछ करा रखी है? भाई अभी नहीं करा रखी, कराएंगे एक्चुअली में, थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल रहा। हाँ इस वजह से कराई नहीं है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो। अगर मैं फ्रंट से दिखाना चाहूँ तो ये है कुछ इस तरीके की, और जैसे आपको पता है भाई टॉप मॉडल में सारी चीजें आती है कंपनी से। तो लाइट वगैरह का रिस्पांस कैसा है भाई इसका? भाई अच्छा है लाइट का, लाइट वगैरह सब बढ़िया। बढ़िया तो भाई जैसे ये चीज अच्छी लगती है, देखो जैसे ये देख रहे हो ना भाई ये फेड फेड से ज्यादा ये चीज अच्छी लगती है ना। हाँ भाई ये थोड़ा सा अभी टाइम के साथ और ज्यादा हो जाएंगे, इसे भाई ग्लॉसी करवाएंगे। हाँ ये इसकी ये चीज होगी, और साइड वाली ये साइड वाली भाई ये ना अभी देखो चमक रही है, पॉलिश वॉलिश लगी हुई है, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा बेकार लगती है, फेड फेड हो जाती है ना। तो अब आते हैं मेन चीज, देखो इतनी बढ़िया गाड़ी, इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, जैसे कि इसमें लग रहे हैं अपने 275/40R22 22 इंच के भाई ये अलॉय व्हील है। तो जब लगवाने गए थे मतलब कितनी क्या सोच के गए थे कि 22 लगवाने? 24 गए थे कंपनी के लगवाने, लेकिन भाई साथ बात के दोस्त ने फिर भाई यही लगवा दिए 22 के, फिर यही भी अच्छे लग रहे थे। अब 20 के सामने भाई, 20-18 के सामने तो 22 बहुत बड़ा। हाँ भाई ये तो है। तो जब इसमें कंपनी से आए थे अलॉय व्हील? हाँ भाई तो कंपनी के साथ आए थे, लेकिन बस मन था पहले से शुरू से ही बाहर के लगवाने का, फिर भाई लगवा लिया। तो मतलब कि पहले लगवा के देखे 20-20 की, उसमें हाँ भाई 20 के लगवाए थे पहले भाई, 18 का भी लगवाया था, फिर 22 का भी लगवाया था, लेकिन फिर 22 पे अटक गए थे, फिर 22 पे अच्छे लगे। हाँ। तो 22 ही भाई ने फिट करा, जैसे आप प्रोफाइल वगैरह आप देख ही रहे हो। तो कटिंग वगैरह भी कुछ हुई थी या कैसे भाई? हाँ भाई साइड साइड में से हुई थी, बस ज्यादा नहीं हुई बस। अच्छा साइड साइड से हुई थी, मतलब इसे
कवर को हटा के कवर पूरा काट के हल्का हल्का काटा था। तो कटिंग वगैरह में दिक्कत आती है नहीं आती? ना ना भाई कोई दिक्कत ना कोई इशू। और जैसे भाई बंदे कहेंगे कि भाई इतनी बढ़िया गाड़ी इतने बड़े अलॉय व्हील लगा दिए तो कंफर्ट तो खत्म हो गया होगा? ना भाई कोई दिक्कत नहीं है, भगा वगा के भी देख लिया मैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बबलिंग वगैरह कुछ भी ना भाई? कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है आप देख सकते हो। और भाई बॉडी से देखो कितने भार है, मतलब जब अलॉय व्हील का जब भी मजा है जब बॉडी से थोड़े बाहर हुआ ना। हाँ बस भाई थोड़ा गंदा तो हो जाती है लेकिन हाँ। शौक की चीज है सारी है ना, तो चलाने में बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल मजा आ रहा तो है। ये देख सकते हो। और भाई ये पेट्रोल है डीजल? ये पूछ भाई डीजल है। डीजल है हाँ। तो एवरेज क्या दे रही है इसमें भाई? एवरेज 13-14 का इतने नहीं, 13-14 मतलब कुछ ज्यादा घटी नहीं है ना, कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ा भाई। तो अगर हम आए तो पीछे की तरफ तो पीछे से आप भाई ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके रहने वाली है। तो भाई बहुत बंदे कहते हैं पीछे से वोल्वो लगती है वैगनार लगती है, तो आपको कैसी लगती है ये पीछे? बढ़िया लगे कोई दिक्कत ना, मतलब वैगनार जैसी लगती है या वोल्वो जैसी? भाई ऐसा तो देखो हर गाड़ी कुछ ना किसी से तो सिमिलर सी होती है, बस थोड़ा सा वही है। अरे वाह, तो भाई ये नंबर परचेज है कैसे? ना भाई परचेज करा था भाई। तो भाई कितने क्या पड़ा था आपको ये? भाई ये 5500 रुपए का पड़ा था, 5000 का नंबर था, 500 रुपए उसने काटने वाले ने लिए। तो भाई सही मिल गया यहाँ पर है ना। और अगर मैं डिग्गी का स्पेस दिखाऊँ ना इसका, तो भाई अनलॉक करना एक बार भाई। तो भाई ये देखो ये पीछे से ये कुछ इस तरीके की आती है, ये देख सकते हो। ये इधर ना एक कर्व इसलिए है, यहाँ कुछ अगर सामान रखना चाहो तो वो रख सकते हो इजीली है ना। तो आ जाओ भाई एक बार अंदर की तरफ, तो आपको भाई अंदर से चेक कराते हैं अंदर से है कैसी ये। तो आपको जैसे बहुत बार मैंने दिखाई भी हुई है, तो ये देख सकते हो भाई प्रॉपर लग्जरी वाला मज़ा रहने वाला है। एक तो लग्जरी कार भी आती है अब तो ये ना प्रॉपर। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये सारा सॉफ्ट टच वगैरह सब आता है। तो भाई इसमें अपने सोने का सिस्टम वगैरह नहीं आता क्या भाई? इसमें जो टॉप वेरियंट पर 12 का आता है, इसमें 6 का आता है। अच्छा अच्छा, इसमें सब वूफर नहीं आता ना? हाँ सामने वाला नहीं आता, एक पीछे तो आता है। अच्छा पीछे है सब वूफर? सब वूफर है पीछे। पीछे भाई एक वूफर मिलने वाला है इसमें। और ये देखो 1, 2, 3, 4 और पीछे साइड के 6 भाई। अच्छा 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 हाँ। कंपोनेंट मतलब आगे कंपोनेंट का पेयर है पीछे भी। तो इसका आउटपुट भी हम आपको सुनाने वाले हैं किस तरह क्या आने वाला है। तो भाई कुछ ऐसा है इसमें नेगेटिव पॉइंट आपको लगो यार ये कम है इस गाड़ी में एक चीज? ना भाई कुछ ऐसा नेगेटिव तो खास है नहीं, बाकी देखो बढ़िया चलने वलने में बढ़िया है, स्मूथ बहुत है, कंफर्टेबल है सीट। हाँ। और गाड़ी में चला भी ली भाई उससे ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा इसमें। और ये तो है कि इधर का ये भाई एंबियंस वगैरह सब बढ़िया लगता है ना देखने में भी, और ये सारी चीज देख सकते हो। अब इसका आउटपुट वगैरह आपको सुनाने वाले किस तरीके क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। अगर सिस्टम की बात करें तो बहुत बड़ी आउटपुट आ रहा है भाई, डीसेंट है बढ़िया, इतना ही चाहिए था मेरे को, वैसे कोई ज्यादा इतना कोई शौक नहीं है। हाँ बस भाई डीसेंट आवाज आती है बढ़िया। और तो भाई एक चीज मैं भूल गया कि अलॉय का क्या प्राइसिंग था अपना? भाई मेरे अलॉय पड़े थे 2,10,000 के भाई, 2,10,000 रुपए के। तो जो इसमें लगाए थे वो दे के कैसे? नहीं भाई वो दे दिए थे, इसमें कोई मेरे को रखना तो था नहीं। हाँ हाँ तो इसलिए फिर दे दी, कोई यूज था नहीं मेरे को ऐसे बिल्कुल। और एक चीज भाई ये बहुत सही लगती है मेरे को इसमें, नेविगेशन वगैरह हाँ इसमें दिखाता रहता सामने है ना, मतलब इधर देख दोनों में आती है। हाँ जी भाई उधर देखना चाहो तो उधर देख लो ना, वैसे वो चीज बेस्ट है ना चलाते हुए, लुकिंग में अच्छा लगता है भाई। हाँ ये भी देख सकते हो। तो भाई अभी टॉप कितने भगा रखी है इन अलॉय पे आपने? भाई मैंने 160 भगा रखी है चेक करने के लिए, 160 भगा रखी है ना। तो भाई ये देख सकते हो। तो भाई ये है आज की वीडियो, हमने टोटल ओवरऑल सारी चीज दिखा दी ना भाई। हाँ जी भाई एक बॉडी किट लगा रखी है इसमें नीचे जो लाइट वाली होती है। अच्छा अंडर बॉडी लाइट? अंडर बॉडी लाइट। अच्छा अंडर बॉडी लाइट भी अपने ऐप कंट्रोल वाली होगी? हाँ जी भाई। तो वो भी है भाई, टोटल मतलब कि अपने अलॉय व्हील मिला के और ये अपना छोटा मोटा और काम कर रहा था। सामने वो थोड़ी ब्लू येलो वाली लाइट्स आती हैं वो लगवा, वो हमर वाली छोटी वाली, हमर वाली छोटी वाली है बिल्कुल। तो भाई अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है? भाई sumit.choudhary0088। तो भाई जाके भाई को फॉलो कर लेना, बढ़िया बढ़िया रील्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये आज के वीडियो में टोटल ओवरऑल सारी चीजें दिखा दे। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।